गाँव जाने को तो नाम ही ना लिया मन लाग के रहे। हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक गाइज अवर न्यू ब्लॉग। और गाइज आज की सुबह की शुरुआत होती है यहाँ से। मतलब मैं उठ चुका यार, मतलब यार आपने एक चीज दिखाऊं, देखो एक चीज दिखाऊं। सुबह 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 देखो कितनी धुंध हो रही है, ठीक है 8 बजे है और यह बंदी मतलब सुबह पहले पोचा मारण लग रही है यार। मतलब शर्म आ उसे कि ना जड्डा में इतनी है। अरे काम करना अच्छी बात होती है पर इतनी सर्दी में काम हद होगी। और ये क्या कर रही है तू एलईडी में हैं? बिल्कुल रहेगी, पर बाद में जैसे धूप निकले तब कर ले काम। नहीं तो चलो भाई साहब ये पढ़ेंगे तो हम चलेंगे कहीं पे क्या अपने ऑफिस चलेंगे। अरे कि शर्म कर ले, क्या है चप्पल धो रही है, भीतर ना धो ले तू ये चप्पल हैं? कुछ नहीं होता। हद कर दी भाई, उसमें डाल दे वॉशिंग मशीन में डाल दे। अच्छा क्यों खराब नहीं हो जाएगी? वॉशिंग मशीन थोड़ी ना खराब होती है, इससे चाहिए मैं जूता धो ले ना। मतलब कितनी वो हूं, कितनी सेवा करती हूं तेरी। ये तो तू जानबूझ के कर रही है, पॉइंट मार रही है तू, पॉइंट मार रही है। सफाई रखती हूँ। अच्छा मैं नहीं रखता, मैं तो गंदगी रखता हूँ, है ना? और ठीक है भाई, हम तो निरा ही खराब सर, निरा ही गंदा आदमी है। तू ही हाइक बढ़िया है। Yes. कितनी केयर कर दी तेरे मेरी। नहीं अरे तो यार कर रहा हूँ कि मतलब अभी खड़ा होकर भाग पड़ू मैं। हाँ तो दातुन करूंगा ना, नीचे खड़ा होकर जाऊंगा जब भी। तो उठा ही सकता है इसको, पैरों में पड़ी है। उठा लूंगा मैं, इम्पोर्टेंस तो दे ना, उससे ज्यादा बात करते हैं। अच्छा मतलब इस चीज में क्या इम्पोर्टेंस होगी भाई, और के मतलब भाव खा लिया मैं इसमें है। हाँ। के भाव खा लिया इसमें? भाव तो खा रही है यार, हद कर दी। भाव तो सब्जी मंडी में होया करे सब्जियां का। कुआरो था जब कोई नहीं पूछता। अरे बावली साधु इतनी इज्जत से मेरी अब भी पूछे मत, तन्ने ही लग गए। तन्ने कौन पूछा कर, तू तन्ने कोई नू भी ना पूछा कर। हेलो गाइस, तो ना दो के रेडी हो चुके और हम चले ऑफिस। और ये देखो ये हुई ना बात, ऐसे के बात के मिल के ना ईद ईद हुई कुछ। हेलो गाइस, तो इनका देखो खाना खाना देखो, मम्मी देखो क्या तरह खा रही है, मेरे गुद्दी मिले ही है। मतलब ढंग तो बैठ के खा ले, पोतन जा डोला करो से तो तू तो रोटी तो कटेंगे खा ले बैठाई के। पोतो ओए के करा है मज्जी हैं किस की मज्जी। अब हेलो गाइस, तो मैं आके बैठ गया, सारा घर का मिलकर है ना। मैंने थैंक यू तो बोल दो। थैंक यू पूछो क्यों। इतनी देर आपने क्या लगाई? थारी पूरे दिन की लाइट ना आ रही थी ना? नहीं आ रही थी, वहाँ तो मेरा सुख करोड़ा जी। कब का परेशान हो रहा, कब की ना आ रही थी लाइट? ये 2 बजे की लाइट नहीं है। और मैं कब आया कोर्ट पे? आप 5 बजे आए थे। 5 बजे आए थे ना, 5 बजे को देख ले, अब फ्री आए उसे। अब के टाइम होगा 7:30 होगा। अब 7:30 है तो थैंक यू बोलो दिल पे। थैंक यू बेटा। हाँ तू भी बोल थैंक यू। किस खातिर है? लाइट ठीक कर दी। धन्यवाद। आप भी थैंक यू। किससे?
आपने बहुत बढ़िया काम किया, एहसान कर दियो और के आयो जब से परेशान होने लग रहा हूँ मैं। 500 रुपया लगा दिया जेब से है, काम करना धर्म होता है। और 500 रुपया लगा दिया, 500 रुपया लगा दिया मेरे बेटो, तू ठंडी ना जा। ਉਹ ਗੋਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੱਥ ਹੀ ਲੱਤ ਲੱਤ ਦੇ ਪਿੱਛਾ ਸੀ ਕਰੇ ਸੇ ਬਾਏ ਨਾ ਛੱਲੇ ਤੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਬਾਏ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਐਸ ਹੋਰੋ ਪਾਪਾ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਨਈਆ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿ ਵੀ ਸਮਝ ਮੈਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਰੋ ਸੇ ਕੀ ਨਾ ਫਿਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਤਿਆਪਾਲ ਅਰੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੱਤੂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਫਰਵਟ ਹੂੰ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲਾਕਾਰ ਸੇ दुकान का ये बॉक्सिंग लड़ना ये खूब सीखा पेट में दर्द है, चार चार मिनट लिया रखा स्टेट ओपन खेला हुआ अभी दर ऐसे मेरे को 3 मिनट गोल्ड मेडल है मेरा, राउंड मट्टी फक्का मार ले तो भूख लग गई थी जब सब जाम आप दे से करवट से मैं उन बाल काम ना थो ना चोक खा लिया और पेम खा ली मट्टी खा ली और के नाम से वो के बोल लिया करे मम्मी गांव का लोग और जो सा जत्तो पत्थर खा लिया है और जो सा जत्तो धरती मां थोड़ी सी धरती मां की मिट्टी है सुबह वाला तेरा लगी से मेरे तो फोन कर दे तुम्हें बना लेते तेरे खतर बासी रोटी मन्ने के वेरो नेंग तेरे बासी रोटी मन्ने के वेरो नेंग तेरे नेंग तेरे में कोई छोरी मेरे इंतजार कर रही है मैम कौन इंतजार कर रहा था कोई ना कर रहा था कोई ना कर रहा था पटीक रहा है तुम्हें इंतजार तेरे वेरो चाल कर जब तक तू इंतजार कर रही थी है ना वो पटीक रहा वाला छोरो कब सिखाओगे मन लेने रियलिटी बताऊं नाम खराब रहे कोई एक आध बंदा मतलब लड़ाई लुड़ाई में चीजा में रहा पर ये तो नो खराब गुन्ना लड़ाई तो तेरे पापा देख लेते जवान नहीं पैरा ना वो जल्दी से काम आते जाओ गुन्ना पर काम में करना है तो पाण जा तो मन्नू कहन चास में तेरे दिन मार गांव ना गई अरे जाऊंगी जवान नहीं पैरा में तेरे पापा की लड़ाई देख ली तो क्यों ना जा रही थारे गांव में तो बता ऐसा कुछ नहीं है जाऊंगी हैं तेरे मन लाग रो जो फिर गांव जाने को तो नाम ही ना लेवा तू मेरा मन लाग के रे मत लगाना तो पड़ेगा अच्छा शादी होने के बाद कितनी बार हो जाएगा एक बार गई जा एक बार मतलब मैं तराने जाने 2-3 बार 3-4 बार तो वो तो मैं ही मिला लिया इतने हाँ नहीं तो वैसे थोड़ी ना गई कि हाँ ब्याह का बाद रख कहीं दिन वो ना रख कहीं कल रख कल चलते हैं ठीक है अच्छा अच्छा तन ऊपर की चाबी दी जा मम्मी तू ऊपर रही है कहीं है मनाइयर ऊपर तो सुबह छोड़ दूंगा शाम ने लिया हूँगा हाँ नू कर लिए था ठीक से ठीक कर लिए तेरा सारा चाव पूरा इतना देर में तो ले ज्यादा दिन रुका गई तो वे भी उब लेगा तेरा सी परेशान हो जाओगे तेरे घर का कती ना हो बाप कोई परेशान झूठ मत बोल दिल की बात बता दिया अगर सच 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 हां बे मेरे पापा मेरे इंतजार कर रहे थे के कैसे उनका मर्जी जीना है कई दिन होगा पापा के बोल रहा कोई हो तेरे पापा तो कहने भी याद ना करो दाऊ कर रस मेरे पापा ने कर दे सुसी तो फोन ही ना कर देता छोरी किसी कर लाई दे तो व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तो सभी भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें बाय बाय।